खबर संत कबीरनगर जनपद से, जहां खलीलाबाद विधानसभा से पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अयूब ने दावेदारी की है, जिसके बाद राजनीतिक पार्टियों में सरगर्मियां बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि खलीलाबाद के पीस पार्टी कार्यालय पर किसान यादव सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में किसान और यादव समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अयूब ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी ने सहयोग किया, सभी का आभार जताते हुए उन्होंने खलीलाबाद विधानसभा पर पीस पार्टी की जीत हासिल करने की बात कही। आज यादव समाज और किसानों की एक सभा थी, जिसमें सभी लोगों ने पीस पार्टी को समर्थन दिया और हमने ये आश्वस्त किया कि पीस पार्टी सभी को साथ लेकर के और ईमानदारी से खलीलाबाद विधानसभा में विकास करने का काम करेंगे। सर, पीस पार्टी के कितने कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं? पीस पार्टी ने यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के साथ बनाया है। अभी बहुत सारे दल उसमें शामिल होने, उसका विस्तार होना है और 403 सीटों में पीस पार्टी तकरीबन 300 सीटों पर चुनाव में हिस्सा लेंगे। सपा मुखिया, भाजपा मुखिया, सभी लोग कह रहे हैं 300 के पार जाएंगे, आप क्या कह रहे हैं? तो वो बता सकते हैं ना। मैं पीस पार्टी ये कहती है कि पीस पार्टी जो 2022 की सरकार है उसमें बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका है।